जेमिनस न्यूज़ लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं खेल से जुड़ी कुछ खास खबरें। आइस हॉकी गोलकीपर वासिलेवस्की ने 23 शॉट बचाए, रूस ने चेक को हराया। रूस ने आइस हॉकी वर्ल्ड चैंपियनशिप के ग्रुप बी के मुकाबले में चेक रिपब्लिक को 3-0 से हराया। रूस के गोलकीपर वासिलेवस्की ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए 23 शॉट बचाए। विजेता टीम की ओर से सर्गेई आंद्रेनोव, उसेव और जाचेव ने एक एक गोल किए। अन्य मुकाबले में स्वीडन ने नॉर्वे को 9-1 से हराया। टीम ने इटली को भी 8-0 से हराया था। स्वीडन की ओर से पहले हाफ में 3, दूसरे में 5, तीसरे में 1 गोल हुआ। साइकिलिंग की माने तो पूर्व ओलंपियन सांचेज डोप टेस्ट में फेल हुए, 2 साल के लिए बैन लगा। स्पेन के साइकिलिस्ट सैमुअल सांचेज पर डोपिंग के कारण 2 साल का बैन लगा है। 2008 ओलंपिक में रोड रेस में गोल्ड जीतने वाले सैमुअल 2017 में पॉजिटिव पाए गए थे। इंटरनेशनल साइकिलिंग एसोसिएशन ने कहा कि अगस्त 2019 तक बैन रहेगा। सांचेज को 2017 में डोपिंग के कारण टीम से बाहर कर दिया गया था। वे फैसले के खिलाफ स्पेनिश एनडी डोपिंग एजेंसी और वर्ल्ड डोपिंग एजेंसी में अपील कर सकते हैं। स्क्वैश की माने तो न्यूजीलैंड की जोएला किंग ने पहला वर्ल्ड टूर मैनचेस्टर ओपन जीता। न्यूजीलैंड की स्क्वैश खिलाड़ी जोएला किंग ने पहले वर्ल्ड टूर मैनचेस्टर ओपन का खिताब जीत लिया है। जोएला ने फाइनल में वेल्स की टेस्नी इवांस को सीधे गेम में 11-8, 11-2, 11-4 से हराया। 30 साल की जोएला ने पिछले साल पहला प्लेटिनम इवेंट हांगकांग ओपन जीता था। वे 2010, 2014 और 2018 कॉमनवेल्थ में मेडल जीत चुकी है। 2018 में तो जोएला ने वुमन सिंगल और डबल दोनों में गोल्ड जीता था। तो एमएनएस न्यूज़ लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।